हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई राम सौम्या। तो अभी ये मेरा मायके का ब्लॉग है, जहाँ से हम जा रहे हैं, मतलब माँ के यहाँ से वापस ससुराल जा रहे हैं। और अगला वीडियो जो होगा वो वहीं का होगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जा रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय करने, वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और ये देखिए माँ और बाबू है, और ये दामाद जी। तो अभी भाई जो है वापस पहुंचाने जा रहा है स्टेशन पे हम लोग को, मतलब 3 से 4 घंटे ही रुके थे और ज़्यादा देर नहीं रुके थे। तो वापस पहुंच जा रहे हैं हम लोग स्टेशन, यहाँ से फिर जाएंगे घर, जमालपुर हमारा सब घर है, तो ससुराल जाएंगे जमालपुर, जो शाम तक पहुंच जाएंगे। और ये हम लोग चल दिए हैं, और फिर वापस पता नहीं कब आना आना होगा, आना होगा या नहीं आना होगा। तो चलिए चलते हैं जमालपुर की ओर, मेरा ससुराल है। और बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पर बहुत मन लगता है, यहाँ भी लगता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को, क्योंकि वहाँ बड़े पापा बड़ी मम्मी इनके हैं, भाई है भाभी हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए, इन लोगों को वहाँ पर मोबाइल मिलता है, सबसे बड़ी खुशी की बात इन लोगों के लिए यही होती है। मेरा मन थोड़ा सा उदास था, क्योंकि कोई भी लड़की होगी तो वो जानते होंगे कि उसका मन जो है ना मायके से जाने के बाद थोड़ा सा उदास रहता है। और मैं बहुत दिनों के बाद आई थी कुछ घंटे के लिए, फिर वापस ट्रेन वैसे ही थी, तो वापस फिर चले गए घर। और अभी अंकित का एग्ज़ाम का समय भी है, तो कहीं रुक भी नहीं सकते हैं, इसलिए इतनी 3-4 दिनों में ही 2 जगह जाना था। तो बस ये भाई है मेरा, छोटा भाई है, जो पहुंचा दे रहा है हम लोग को स्टेशन पे, यही लेके आया, फिर यही लेके पहुंचा रहा है। और थोड़ा बहुत रास्ते भर में दशहरा भी देख लिए, और पटना का दशहरा बहुत अच्छा होता है, जो पटना में रहते होंगे मालूम होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो वापस हम लोग जा रहे हैं ससुराल, हम लोग ने ससुराल तो मेरा है, और भाई ही पहुँचा रहा है, छोटा भाई। चलिए चलते हैं जमालपुर में मिलते हैं, और यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, और बाबू की किटी बैग देख रही है इधर बहुत ध्यान से बाबू को। चलिए मिलते हैं बाद में। अभी अभी मैंने एक वीडियो ऑफ किया, एक वीडियो अपलोड किया, ये दूसरी वीडियो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और अब हम ससुराल का वीडियो बनाएंगे, उसमें मिलते हैं, क्योंकि वहाँ भी सबको जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 साल के बाद पटना आए थे 2 घंटे के लिए, तो चलिए हो जाता है कभी कभी। और अभी चलते हैं ससुराल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में बैठ गए हैं, और ये शाम की ट्रेन है, और हम लोग रात तक पहुंचेंगे। लगभग 4 बजे ट्रेन थी, और हम लोग 9 बजे तक पहुंचे थे, ऑलमोस्ट 9 बज ही गए थे। तो अंकित बोल रहा था मुझे विंडो सीट पर बैठना, और मुझे विंडो सीट पर ही बैठना अच्छा लगता है, हालांकि विंडो तो बंद रहती है एसी वाली, लेकिन फिर भी बाहर देखने में अच्छा लगता है। और ये देखिए, इसका कुछ ना कुछ चलते रहता है, और रास्ते भर में बच्चे जो है ना बदमाशी करते जाते हैं। ये देखिए, फ़ोन तो हाथ में चाहिए ही चाहिए होता है। तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स जिस दिन मैं पहुंची थी रात में, उस दिन सप्तमी थी, सप्तमी पूजा थी दशहरे की, और ये अष्टमी है। ये मॉर्निंग का वीडियो है, अभी पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में। यहीं पास में मंदिर है दुर्गा जी का, तो वहीं जा रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे वहाँ का। और बहुत पहले मैंने वहाँ का वीडियो बनाया हुआ है, और चलिए वीडियो का आज यहीं पर एंड करते हैं। ये है बहू रानी जो अपनी सासू माँ के पैर दबा रही है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो को मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। खूब खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। ओम साई राम, साई राम, सबका भला।